मी अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा बदली गला समीकरण भांगिला मेट महाराष्ट्र रे महाअगाड़ी को महाछटका महाराष्ट्र राजनीति रे महानाटक सिंधे सरकार सामिल है एनसीपी अजित प्रफुल्ल छगर एका रहीगले शरद मोदी गुण गाइले अजित विरोधी को छटका दिल्ली नुहे एबे महाराष्ट्र महाराजनीति समस्त नजर रविवार खबर बजार मंदा थी बेले ब्रेकिंग परसी दे अजित पवार विरोधी दल नेतारु सीधा उपमुख्यमंत्री विरोधी महासरकार प्रमुख अंग किसी चिंता करू करू बदली गला महाराष्ट्र राजनीति भांगी गला महाअकाड़ी महाराष्ट्र रे बीजेपी सिंधे सरकार को मिलीगला बल अजित पवार समेत न एनसीपी विधायक मंत्री पदर शपथ नेवा सह सिंधे नेतृत्वाधीन सरकार ने सामिल होता घोषणा कर नुआ नुआ महाराष्ट्र द्वितीय उपमुख्यमंत्री बनी अजित पवार छगन भुजबल धनंजय मुंडे संजय बंसोड़े हसन मुशरीफ अनिल पाटिल भाई एनसीपी वरिष्ठ नेता मंत्री पद पर शपथ लेते मोदी नेतृत्व को भूरी भूरी प्रशंसा कर अजित मोदी नेतृत्व में ही देश विकास रास्त बढ़ी पार नौ वर्ष रे मोदी को विकास मॉडल रे से प्रभावित होती पर विरोधी एकता को कटाक्षर तीर विधि परोक्षरे दादा शरद को टारगेट कर अजित हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है सभी का हमें आशीर्वाद है हेले शरद अजित को ही पदक्षेप को निंदा करबा सह निज हार स्वीकार करछते एवं खूब शीघ्र नुआ टीम प्रस्तुत हेबो बोली कहिछते यहा सह सरकारी जोग देतिबा नेताक भविष्य को नै मु चिंतित बोली कहिछते शरद यही कहा कि मैं चले हम लोग गांधी नेहरू की विचारधारा चवन साहब की विचारधारा इसमें काम करने वाले जो लोग है हमारा एक सरदार साहब है उस सरदार साहब सरदार में यशवंत साहब चवन साहब की समाधि है मैं कल वहाँ जाऊँगा समाधि का दर्शन लूंगा और वहाँ से शुरू करूँगा विरोधी एकता पाई शरद पवार बैठक बैठक खेलुवा बेले अजित जे राजनीति मैदान में एभरी गोटी चालना करे काले शरद को यार शंका था एनसीपी मुख्य पद न मिलवा अजित को बाद झील सुप्रिया एवं प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी सभापति पद मिलवा कड़े अजित को करा व्यथित तेरे अजित पदक्षेप को पूर्व जना विरोधी ये एक प्रक्रिया चल रही थी सबको मालूम था इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है ऐसा हो सकता है उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है महाराष्ट्र रे एनडीए मेंट सुदृढ़ और सशक्त होता बेले आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन रे एनडीए मेंटर सहज विजय आकलन करछन्ति राजनीतिक पंडित हेले पावर बनाम पावर लड़ाई रे केऊ पावर कर विजय हेबो ताहा देखिबा कथा ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।